Oh, Bellon. What? Oh. Oh, bless her. Thank you.
वाईट कुणीच नसतं, फक्त आपल्यापेक्षा दुसरा वेगळा असतो. लक्ष देत आहे का? आणि जर तो तुमच्यासारखा नसला तर तुम्ही त्याला वाईट म्हणता. तुमचे जेवढे रिलेशन बिघडलेले, जेवढे नातेसंबंध बिघडलेले, ते बिघडले का बरं? कारण तुम्ही दुसऱ्याला तुमच्यासारखं बनवण्याचा प्रयत्न करता. मी तर नेहमीच सांगतो की लग्नाच्या नंतर बायको नवऱ्याला प्रत्येक वेळेला टोचत राहते की ड्रेसिंग सेन्स आहे का नाही. सेन्स
गावण ढळमेले, बरे सापडले माझ्या हातात, असा असा ड्रेस घाला, नवऱ्याला चेंज करते की लुकचा सेन्स आहे की नाही, अशी अशी दाढी वाढवा, नवऱ्याला चेंज करते. बोलता येतं की नाही तुम्हाला? असं असं बोला, चला लोकांशी असं असं बोला, नवऱ्याला चेंज करते. लाईफस्टाईल काही जगता येतं का नाही? असं असं जीवन जगा, जरा असं करा, बदला जरा, आता तरी बदला. आणि चार वर्षाने नवरा बदलला की पहिल्यांदा बाय डायलॉग बायकोच मारते, तुम्ही पहिल्यासारखे राहिले नाही म्हणे आता. म्हणजे बदललं ह्याच दीडशाने नवऱ्याला, टोचून 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 टोचून, आणि वरती म्हणते काय, तुम्ही पहिल्यासारखे राहिलेच नाही, बदललो कोणी. मी काय सांगतोय, हा जो म्हणजे नात्यांमधला प्रॉब्लेम का बरे, दुसऱ्यांना तुमच्या सारखं बनवण्याची ही जी तुमची धडपड आहे ना, की तो जर तुमच्यासारखा नाही राहिला तर तो फालतू, आणि त्याला आपल्यासारखं बनवायचं ही जी धडपड आहे ना, याच्यामुळे प्रत्येक रिलेशनमध्ये आणि प्रत्येक नात्यामध्ये दुरावा निर्माण होतो आणि मनामध्ये खोट निर्माण होते. जे जसे आहे ऍक्सेप्ट करा ना, ते आपल्यासारखे व्हायला पाहिजे, याच्यापेक्षा महत्वाचं काय ते आपलेसे व्हायला पाहिजे. जर ते तुमच्यासारखेच झाले तर तुमचं काय महत्व राहिलं? देवाने प्रत्येकाला युनिक बनवलेलं आहे. सात्विकता जर असेल, चांगले विचार जर असतील, तर थोडासा चान्स द्या ना एकमेकांना, ऍटलीस्ट नवरा बायकोमध्ये, आई वडील मुलांमध्ये. काय सांगितलंय मी, की ते वाईट नाही आहेत, ते वेगळे आहेत. आणि याच्यानंतर काय करायचं मग, केव्हा जरी दुसऱ्याबद्दल प्रतिक्रिया द्यायची वेळ आली, नीट आहे का, केव्हा जरी दुसऱ्याबद्दल निगेटिव्ह नकारात्मक प्रतिक्रिया द्यायची वेळ आली की पहिल्यांदा एवढं लक्षात ठेवायचं, काय त्यांच्या जागी राहून विचार करा, ते चुकीचे नाही आहेत, प्रत्येकजण त्याच्या त्याच्या जागी राहून बरोबरच आहे, पण आपण काय करतो, आपल्या जागी राहून विचार करतो. एक छोटासा प्रयोग करायचा का? नक्की. चलो कोणकडे तोंड करून आहेत, आपले काका आणि काकू, सौभाग्यवती वाघताई आणि वाघोबा काका, तुम्ही काय करायचं, तिकडे काय दिसत ते सांगायचं, आणि तुम्ही काय करायचं, इकडे काय दिसत ते सांगायचं, सांगत राहा एकमेकांना. दिसते मला झाड तिकडे सुंदर, मस्त गवत, मला इकडे मस्त काम केलेलं आहे, खूप छान चेहरा दिसतोय. हा पाठीमागे अजून सांगा काय काय. आणखीन अंधार पडवलाय, संधी प्रकाश दिसतोय छान पैकी एकदम. हा ताई तुम्ही सांगा. मला इकडे हत्ती दिसतायत, अजून बरस चडंडी वगैरे कुरीव काम केलेलं. ओके, मंदिर वगैरे. हा आता काकांनी सांगितलं की त्यांना गाजर गवत दिसतंय, बरेचसे छान चेहरे दिसत आहेत, एक सोडून मोठे मोठे झाडं दिसत आहेत, आकाश दिसतंय, हे काकांनी सांगितलं. दोघं एकमेकांचे किती जवळ आहेत बघा बर का, दोघं एकमेकांकडे बघतायत. आणि काकू मात्र म्हणतात की असं नाही, हे खोटे, मला इथं हत्ती दिसतोय, बोकुड दिसतोय. त्यानंतर मंदिर दिसतंय, मंदिर दिसतंय. ऐका ऐका, लक्ष द्या, लक्ष द्या, काडी दिसतीय. ओके, आता मला सांगा, जय गुरुदेव, जय गुरु. काकू बरोबर आहेत की काका बरोबर आहे, कसं काय, दोघं एवढे जवळ आहे पण हे वेगळं बोलतात आणि ते वेगळं बोलतात. मग काका काकूंच कळालं, तुमचं कधी कळलं कळतंय का? ते थांबा एक मिनिट, ते एकमेकांच्या समोर आहेत, पण हे जे बघतायत ते त्यांच्या जागेवर राहून बघतायत, काकू ज्या बघतायत ते त्यांच्या जागेवर राहून बघतायत, दोघही ते बरोबर आहेत. प्रॉब्लेम काय आहे, मी बरोबर आहे तू चूक आहे, कळतंय का? हेही चूक नाहीये, हेही चूक नाहीये, बरोबर आहे, फक्त यांचं सध्याला पटत नाही एकमेकांचं, यांना ह्या खोटे, हे खोटे वाटतात.
आणि यांचं तर नेहमीच या खोट्याच वाटत. एक काम करू आपण, एक छोटासा प्रयोग करू. उलट वाहता तुम्ही इकडे जा, तुम्ही इकडे जा. आता बघा बरं, काकाने जे सांगितलं त्यांच्या पाठीमागे काही दिसतंय का तुम्हाला? तसं दिसतंय. होय, तुम्ही बघा काकूने जे सांगितलं ते दिसतंय. कशाला घरी भांडणं करायचे? कळालं का? कळालं? कळालं का? मग तुम्ही काय शिकलात सांगा मला. की ऍटलीस्ट सोडा बाकीच्या जगातलं, आपल्या घरातल्या लोकांना नकारात्मक बोलण्याच्या अगोदर, आपल्या सोबतच्या लोकांना नकारात्मक बोलण्याच्या अगोदर त्याच्या जागी राहा आणि मग प्रयत्न करा. मग तो काय सांगतो ते ऐकण्याचा प्रयत्न करा. कळतंय का? म्हणजे सासूचा गॉगल आहे 1960 आणि सुनेचा गॉगल आहे 1990. प्रॉब्लेम हा आहे की ती 60 गॉगलनी 90 सुनेला बघते आणि जी 90 सुने ती 90 गॉगलनी 60 सासूला बघते. फक्त गॉगल एक्सचेंज केले, जागा एक्सचेंज केल्या की रिलेशनमधले प्रॉब्लेम मिटतील की नाही मिटतील हेच घ्यायचं आहे आज आपल्याला. नात्यांमधले प्रॉब्लेम जर दूर करायचे असतील तर एकच गोष्ट करायची, त्यांच्या जागेवर राहून विचार करा. आपल्यासारखं नाही व्हायला पाहिजे, आपलेसे व्हायला पाहिजे. वाईट नाही आहेत, वेगळे पटते. मग हे नुसतं पटून घेऊ नका आणि हे त्यांना शिकवू नका, हे स्वतः आचरण करा. आणि हे विचार जर का समजा तुम्हाला असं वाटत असेल की आता मी तर त्यांच्या जागी राहून विचार केला पण ती मेली टुचकी, तिने पण विचार करायला पाहिजे. तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न करू नका, तुम्ही फक्त हा व्हिडिओ त्यांना शेअर करा. ज्यांना ज्यांना असं वाटतं की त्यांनी आपल्या जागी राहून बघावं आणि आपण त्यांच्या जागी राहून बघावं आणि नात्यांमधले प्रॉब्लेम दूर व्हायला पाहिजे, हा व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हे ॲक्च्युली घडावं याच्यासाठी ज्ञानयोग ध्यान शिबिराच्या माध्यमातून सहपरिवार सगळ्यांनी सोबत येऊन पूर्ण जीवन आनंददायी बनवा. जय गुरुदेव. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a merry Christmas and a happy new year. Hi everyone, I'm Dr. Shripati Kamath. I'm a practicing ophthalmologist and a vitreoretinal surgeon at Netra Jyoti Retina Center, Balmatra, Mangalore. And I'm Dr. Anupama Karanth, consultant ophthalmologist at Netra Jyoti Retina Center, Balmatra. And today, CFAL and Netra Jyoti Retina Center are here to inform you about the eye safety during eclipse viewing. 26 December 2019, 8 a.m. to 11 a.m. Most of South India is going to witness a very rare cosmic event, the annular solar eclipse. People in Mangalore are especially fortunate. They are going to witness a maximum intensity of this around 9:23 to 9:26. They are going to see a ring of fire. That is when the moon almost completely blocks the sun. While this is an exciting event, eye safety during this event is important, and we intend to tell you how and why your eyes could get damaged, as well as how to prevent it, how to safely view. In case you do see the eclipse and get eye damage, what you can do about it. Now let us know why gazing at the solar eclipse causes harm to our eye. Gazing at the sun on a normal day itself can sometimes be harmful. But during the solar eclipse, it's a different situation. The light from the sun directly enters the eye without there being a protective mechanism. The normal protective mechanism is the pupil constricts whenever we look into the light. The solar eclipse rays, the ultraviolet rays, enters the eye uninterrupted
because of the dilated pupil and causes harm to the eye during the times of the solar eclipse. And normal days we are not able to look into the sun directly. However, because of the darkness during the solar eclipse, we can see the solar eclipse directly uninterrupted, which causes damage to the eye. The damage to the eye occurs in terms of a small burn that occurs at the seeing part of the eye, which is called as a solar burn or a solar retinopathy. Now let us see how the damage occurs in the eye. Normally, when the light enters the eye, there are two mechanisms which helps the light to focus onto the retina. This is the front part of the eye, which is called as the cornea. This is the condensing lens, which is there inside the eye, which is called as the crystalline lens. And this is the posterior part of the eye, which is called as the retina. Normally, the light enters through this area and gets focused into the most finest part of the eye nerve, which is called as the macula. During the solar eclipse, this mechanism of the pupillary constriction is lost because the pupil remains dilated because of the lesser amount of light, dark environment. The pupil remains dilated and the light enters into the eye focused by the lens, causing a solar burn right at the fovea. It could be a small yellow blister that occurs at the fovea, or it could be a full thickness hole at right at the seeing part of the eye, causing the permanent damage to the retina. So, is there a safe way to see this eclipse? There's no safe way to view it directly with the naked eyes. You have to have protection for your eyes. That is solar filters. These filters remove this harmful UV radiation. The solar filters come as eclipse glasses. They come as solar filters for your binoculars. Now, these filters have to be got from authentic and reputable manufacturers. They have to be ISO certified. There's a particular number which will be written here inside your glasses. When you get them, check these things. First, look if there is any scratches. If there are any scratches, discard them, because even those scratches can harm your eye. Then put them on, and when you look through it, you should be able to only see the sun and no other bright objects. Maybe the reflection of the sun, but no other bright objects. Using this there's a particular way to use this. Be careful about it. So when you want to see the eclipse, turn your face away from the sun, then put on the glasses, then look at the sun, and when you're through, after a quick glance, turn away again, remove the glasses and share it with anyone. So all the time you use the glasses, see that when you put and remove, you are not looking at the sun. We also want to clarify about a few misconceptions. Some people may say they have sunglasses and they are very dark sunglasses, very good quality. They are not sufficient to view solar eclipse. So sunglasses are a no. What about some homemade filters or x-rays or undeveloped films, etc.? None of them offer sufficient protection for eclipse viewing. People may want to see this eclipse through binoculars or telescopes or cameras. Without protection, this is not at all a good idea, because these devices, they focus the light even more. What about wearing these eclipse glasses and then seeing through these equipment? No. That is also not sufficient, because the light that comes through this equipment can burn the glasses. So what you are supposed to do is buy separate solar filters, fit them onto telescopes, binoculars or cameras, and then view the eclipse. Now, this is the age of smartphones, so you might be tempted to take a photo with your smartphone. Not a good idea, not without proper care. The back of your camera, mobile camera, has that lens. You have to tape it with a solar filter. And if you are seeing the sun, you should use the glasses too. So all these precautions should be taken before you use. Sometimes you might just feel, why not take a quick peek or just squint or see with one eye quickly and turn away? I would advise you strongly against it. Curiosity really killed the cat. So please don't do that. What may happen now if somebody has seen the solar eclipse? Unfortunately, if somebody has directly seen the solar eclipse with their naked eyes. So once you see the solar eclipse, unfortunately, through a naked eye without using a proper filter, the initial few minutes there may not be any particular symptom.
After a few minutes or few hours, you may see there is a small scotoma right in the center of the vision, or your central vision may come down. It is a painless loss of vision. It does not cause any pain. Particularly, it generally affects one eye more than the other. So if you close one eye and close the other eye and see, you may be able to know the difference, which eye has got affected more. So symptoms are a painless loss of vision, painless central loss of vision, or sometimes you can also see a kind of a scotoma right in the center, or a distorted kind of a vision. So any of these symptoms, if you have, then what next? You need to see your eye doctor. The eye doctor first of all will confirm whether there is any problem that has occurred because of viewing the solar eclipse through the naked eyes. However, there is no permanent therapy, or there is no therapy for this particular problem. The doctor may suggest you to undergo a scan called as an OCT, which is an optical coherence tomography. This particular scan will quantify the amount of damage, whether it is just a small little hole, or it's a full thickness hole, or it's a large scar at the fovea. However, this particular problem does not have a permanent solution. It's more or less a permanent damage, particularly when it occurs as a full thickness solar burn. To sum up, direct viewing of the eclipse with naked eyes is harmful to the eyes. Do not do it. Use proper authentic eclipse glasses, and viewing it otherwise can harm your eye. There is no specific treatment for it. The damage can be permanent. Annular eclipse is no doubt a very exciting event we are all going to witness, but your vision is very important. Especially take care of your children, because they have to be instructed not to look into the solar eclipse directly. So, happy solar eclipse viewing. Bye. अजरामर केलेल्या गाण्यांच्या एक की आवाज या मैफिलीच्या माध्यमातून रसिकांना अनोखी सांस्कृतिक मेजवानी देण्यात आली. कोल्हापुरातील किशोर देशपांडे यांनी सावली केअर सेंटरच्या माध्यमातून रुग्णसेवेचा वसा घेतलाय. मतिमंद, परावलंबित्व, कॅन्सर यासह विविध आजार असलेल्या व्यक्तींवर उपचार केले जातात. त्या पुढे जाऊन देशपांडे दाम्पत्याने खेळाडूंमधील क्षमता संवर्धन प्रकल्पाची उभारणी केली आहे. या प्रकल्पाच्या मदतीसाठी शनिवारी 21 डिसेंबर रोजी किशोर कुमार नाईट कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. केशवराव भोसले नाट्यगृहात आयोजित या कार्यक्रमाची सुरुवात प्रकाश मेहता, श्रावणी नियोगी, शशी आहिरे, किशोर देशपांडे यांच्या हस्ते झाली. प्रति किशोर कुमार अशी ओळख असलेल्या चेन्नईतील सुप्रसिद्ध गायक जॉयसुला शेखर, इंदूर इथल्या प्रसिद्ध गायिका शिफा अख्ताब यांनी किशोरलांची एक सी बडकर एक अभिट गोडीची गाणी सादर केली. दरम्यान सावली केअर सेंटरला नेहमीच मदतीचा हात देणाऱ्या महेश धर्माधिकारी, शशी आहिरे, प्रकाश मेहता, श्रावणी नियोगी यांच्यासह गायक जॉयसुला शेखर, शिफा अख्ताब, अंध गायिका श्रद्धा भोंगडे, पूजा गोटखिंडीकर, निवेदक प्रल्हाद पाटील, संगीत नियोजक विक्रम पाटील यांच्यासह कलाकार आणि सावली केअर सेंटरच्या अधिकारी, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर शेखर आणि शिफा यांच्यासह गायकांनी अपराध, महल, जुली, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर, आंधी, मेरे जीवन साथी, यादों की बारात, अभिमान या चित्रपटातील गाणी निलया सादर करून उपस्थितांना तब्बल 3 तास खेळवून ठेवला. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कोल्हापूरच्या रसिकांना एक अनोखी सांस्कृतिक मेजवानी प्राप्त झाली.
श्याम तू हे चांगलं नाही केलंस. चल अनु 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 हमारे घरों में पाया जाने वाला समुद्री नमक अलग किस्म से तैयार होता है और ये सेंधा नमक एकदम अलग किस्म से. इसे कोई बनाता नहीं है, सेंधा नमक को कोई बनाता नहीं है. ये नमक पूरी तरह से प्राकृतिक है, नैसर्गिक है, जो कुदरत की एक अनमोल भेंट है हमारे लिए. सेंधा नमक एक खनिज संपत्ति है जो पहाड़ों की खदानों में पाई जाती है. ये हमारे हिमालय सिंह लाहौर में पाया जाता है और ये सबसे अधिक मात्रा में लाहौर पाकिस्तान में पाया जाता है, इसलिए इसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है. अब जानते हैं कि इसे हम क्यों खाते हैं और इसका सेवन सफेद नमक से ज्यादा क्यों नहीं करते लोग. ऐसा क्या हुआ इतिहास में जो घरों में 5-5 साल भरा रहता था, अब इसे आपको खाने के लिए लेना पड़ रहा है और ये बड़ा आश्चर्य की बात है. अब हम सेंधा नमक के फायदे जान लेते हैं. इसके गुण हैं जिसकी वजह से इसे हमारे घरों से दूर किया गया है. हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है दोस्तों. समुद्रों में जो नमक होता है वो होता है आयोडीन नमक और इसका केमिकल नाम है सोडियम क्लोराइड. और सोडियम क्लोराइड जो होता है आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितना भी जहर है, उसे संग्रहित कर पकड़ कर रखता है, उसे शरीर से बाहर जाने नहीं देता. जबकि दूसरा जो सेंधा नमक है जिसका हम उपयोग नहीं करते, जिसे आप खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उस नमक का केमिकल नाम है पोटेशियम क्लोराइड. और इस पोटेशियम क्लोराइड का काम है टॉक्सिन्स, शरीर से जो जहर है उसको बाहर निकालने का, शरीर को साफ और सुथरा रखने का. इस सेंधा नमक में 94 पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसे आप खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 1,00,000 रुपए देने होंगे. 94 पोषक तत्व आपके लिए वरदान है. ये पोषक तत्व आपको 130 बीमारियों से दूर रख सकते हैं. इनमें से 22 तत्व ऐसे हैं जो आपके शरीर के न्यूट्रिशन लेवल को ठीक रखने में मदद करते हैं. इसमें पाए जाने वाले मेन पोषक तत्व जो हैं, उनका नाम है आयोडीन, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, जस्ता और अन्य मिनरल्स. ये इतना शुद्ध नमक होता है कि आप इससे उपवास कर सकते हैं, जिसे दैनिक उपयोग में लेना चाहिए. इसके फायदे इस प्रकार हैं, इसके सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है, गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को ताकत देता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है. अगर आपको कमजोरी लग रही हो, चक्कर आदि आ रहे हो, तो एक ग्लास पानी में एक चम्मच सेंधा नमक डालकर पीने से 5 मिनट में चक्कर आदि आने बंद हो जाएंगे. अगर आपको भूख न लगती हो, जिस दिन भारी चीजों का सेवन करना है, तब खाने से 10-15 मिनट पहले सेंधा नमक और आधा इंच अदरक को चबा चबा कर खा लें. आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर खोल कर भूख लगने लगेगी. और पेट में अगर मरोड़ है, गैस आदि की तकलीफ है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे सेंधा नमक का, तो थोड़े समय में ये ठीक हो जाएगा. इससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी अगर आप थोड़े दिन लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे तो. अगर आपको लो बीपी की शिकायत है तो आपको इसका नियमित सेवन करना चाहिए. इससे बड़ा फायदा होगा. रोज सुबह 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच सेंधा नमक डालकर जरूर पिए. 20 दिन में लो बीपी की शिकायत दूर होगी. आप अगर आपको हाई बीपी की शिकायत है तो आप नहाते समय 100 ग्राम नमक पानी में, सेंधा नमक की बात कर रहे हैं हम, पानी में मिलाकर नहाएंगे तो आपका हाई बीपी की शिकायत 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाएगी. आपको एक और आश्चर्यजनक बात बता दें, सेंधे नमक को शरीर पर मलने से शरीर साफ हो जाता है, चेहरा दमकने लगता है. सेंधा नमक यूज करने से वसा यानी कि फैट घटता है, शरीर सुंदर सुडौल होता है. बीपी वालों के लिए एक वरदान है सेंधा नमक. सेंधा नमक डेली रूटीन में इस्तेमाल करने से एज अ रिप्लेसमेंट सफेद नमक के, तो ये बीपी कंट्रोल करने लगता है. और ये जो सादा वाला नमक है ये एक जहर है. इसमें शरीर के काम के मात्र 3 से 4 ही मिनरल मौजूद होते हैं, जो लोगों को ना भी मिले तो किचन की दूसरी वस्तुओं से मिल सकते हैं. इस समुद्री नमक में जो एक्स्ट्रा आयोडीन मिला होता है वो बस सारी बीमारियों का कारण होता है. शायद ही आपको पता हो कि नमक का काम जो होता है वो नमी को खींच लेना होता है. आपको पता होगा कि पहले जो नमक आता था उसको खुला छोड़ दें तो गीला गीला हो जाता था, मगर आज का नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लोइंग है, जो कभी गीला नहीं होता, क्योंकि इसमें जो नमी को आने वाले मिनरल थे वो हटा दिए गए हैं और नमी को स्वीकारने वाले केमिकल मिलाए हैं, जो बहुत ही खतरनाक है, जिसका नाम है एल्यूमिनियम सिलिकेट और पोटेशियम आयोडेट. ये दोनों ही केमिकल शरीर के बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि ये बहुत ही हैवी होते हैं, जिससे किडनी लिवर फिल्टर नहीं कर पाते. इसलिए बीपी अटैक, पैरालिसिस, आंखों का ऑपरेशन, किडनी फेल हो जाना, ज्वाइंट पेन होना, ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हम लोगों को आजकल घेर रही है.
क्योंकि हम लोग सेंधे नमक का इस्तेमाल करना छोड़कर सादा नमक यानी कि जो समुद्री नमक है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 80 साल पहले सेंधा नमक भारत के हर घर में मटके भर रहता था। भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब ये हमारे पर रिसर्च कर रही थी, भारतीय लोग इतने मजबूत और स्वस्थ कैसे रहते हैं। उनकी रिसर्च में पाया गया कि ये लोग सेंधा नमक खाते हैं, समुद्री नमक नहीं, और अंग्रेजों को पता लग गया कि वो समुद्री नमक खाने के आदी हो चुके हैं। इसकी जानकारी उन्हें हो गई तो उन्होंने यानी कि अंग्रेजों ने सिर्फ इस सेंधे नमक को हमसे दूर करने के लिए बहुत बड़ी चालाकी की, जिसमें हम फंस गए कि इस सदी से पहले हम भारतीय सेंधा नमक ही खाते थे, समुद्री नमक के बारे में हमें पता भी नहीं था, मगर अंग्रेजों ने हमारे कान भरने शुरू किए कि समुद्री नमक खाने के लिए हमें उकसाने लगे क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, इससे घेंघा रोग रुकता है, ये कहने लगे। ये भी सुनने में आया कि गांधी जी के हाथों नमक का सत्याग्रह करा के समुद्री नमक का टैक्स हटा दिया गया, जिसका भारतीयों को कोई भी काम नहीं था। और वहां से 17 साल बाद 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, जिसमें सेंधा नमक भारत से दूर हो गया क्योंकि ये सेंधा नमक लाहौर में मिलता जो कि पाकिस्तान में है। देश का बंटवारा होने से हमारे रिश्ते खराब हुए और भारत पाकिस्तान की यातायात रुक गई, जिसके चलते भारत में सेंधा नमक आना बंद हो गया। फिर क्या था, हमारे पास समुद्री नमक था, उसे हमने धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे सब भूलते गए, हम कभी सेंधा नमक खाते थे ये याद ही नहीं रहा किसी को। बस यही कारण है दोस्तों कि सेंधा नमक हम आज भी नहीं खा रहे हैं। तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि सेंधा नमक कितना ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा इस्तेमाल करने लायक है, और आज से ही आप इस्तेमाल करना शुरू करें, खासकर बीपी के पेशेंट ऐसा करना शुरू करें, उन्हें स्वास्थ्य लाभ जरूर होगा। सादा नमक जहर है ये बात समझ लें, और इसे वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। साहेब तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। खरं सांगायचं झालं तर हा डायलॉग जोपर्यंत ऐकू येत नाही तोपर्यंत असं वाटतच नाही तुम्ही आलायत। हो आमचा चित्रपट सुपर हिटच असतो। तुमचं म्हणजे ते टायटॅनिक पिक्चर सारखे झाले। पिक्चर हिट आहे, डायलॉग हिट आहे, गाणी हिट आहेत, पण बोट बुडाली त्याच काय? त्या बोटीमध्ये तुम्ही सुद्धा होतात हे लक्षात ठेवा, नाहीतर काय, तुम्ही ऐन वेळेला अशी उडी मारली म्हणून नावेचं बॅलन्स गेलं आमचं। तुम्ही जरा तोंड बंद ठेवा चंद्रकांत कुलकर्णी। काय बोलताय तुम्ही, अरे काय हे चंद्रकांत कुलकर्णी, काय कसं बोलतोय? नाही कसं आहे, अजून मी तुमच्या वर्गात नवीन आहे ना, नाव पाठ व्हायला थोडा वेळ लागणारच मला। तोच प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला नाव पाठ होता येतात तोपर्यंत तुम्ही पक्ष बदलता। असं काय बोलतात मला धर्मेंद्रजी? कमलेंद्रजी हा नाव होतील पाठ मला। एक मिनिट, तो कमलेंद्रजी आपका और चंद्रमोहन दादा आपका दोनों का स्वागत है मेरे स्टूडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यही हमारे साथ रुकिए। आणि आता वेळ झालेली आहे पुढच्या पाहुण्यांना बोलवण्याची। यंदाच्या इलेक्शनच्या मॅच मध्ये ज्यांनी बॅटिंगची एक बाजू सांभाळून धरली, रनरेट कमी पडत असताना सुद्धा वर्ल्ड कप आम्हीच जिंकणार असं जे सतत शेवटपर्यंत ठामपणे सांगत होते, आणि मॅचच्या शेवटी नॉट आउट राहिले असे संजय नॉट आउट। सावधान, 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 सावधान। काही झालं तरी कॅप्टन आमचाच होणार। सर कॅप्टन तुमचा झालाय आणि 2 ओव्हर सुद्धा झाले। हो हो हो, बघा आम्ही जे बोलतो ते करून दाखवतो, कॅप्टन आमचाच झाला। बरोबर आहे ना, क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्षच तुमच्याकडे असल्यामुळे तुमचेच कॅप्टन होणार। एक मिनिट, तुम्ही माजी अध्यक्ष बोलाओ, माजी म्हणा। ते माजी असले तरी बाजी तेच मारणार हे लक्षात ठेवा। आणि हो, पावसात मॅच खेळणारा माणूस आहे तो। वा 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 वा, काय ते प्रेम उतू चाललंय, काय ते प्रेम उतू चाललंय, नाहीतर आतापर्यंत प्रत्येक सामन्यात तुम्ही त्यांच्या विरुद्धच बॉलिंग करत होता। असू द्या, कॅप्टन आमचाच होणार। सर कॅप्टन तुमचं झालंय सर।
झालाय आणि आता वेळ झालेली आहे त्या कॅप्टननाच या मंचावरती बोलवण्याची. मेरे स्टुडिओ में मैं स्वागत करना चाहती हूँ. जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सेनापति मुंबई. तमाम मराठी बंधू भगिनींना माझा मानाचा मुजरा. मी नवीन आहे, मला सांभाळून घ्या. खर तर आज तुमच्या सगळ्यांच्या मदतीची गरज मला आहे. हे बरं आहे, माझं आता स्किट पार्ट नाही. मी म्हणतो का मला सांभाळून घ्या असं काय आहे? मी स्किट बद्दल बोलत नाहीये, सत्तेबद्दल बोलतोय. आणि स्किटचं तुम्ही सांगू नका. माझी स्किट मी लिहितो, म्हणजे हे लिहितात. तुम्हाला असं नाही का वाटत की ते स्वतःला जास्त डायलॉग लिहितात? आमचं सरकार कमी बोलणार आणि जास्त काम करणार. आम्ही कमी बोलतो आणि जास्त काम करतो. पाठ होत नाही ते सांगा ना. मग पाठांतर जो तुम्ही आम्हाला सांगू नका. आमचं आम्ही बघून घेऊ. तुमची माणसं तुमच्याकडे पाठ फिरवत आहेत ते बघा. खरं सांगतो, नाहीतर एक दिवस तुमचा मार्ग खडसे तर होईल. खडतर होईल, लक्षात ठेवा. आणि मग म्हणायची पाळी येईल. एक नाथ चालू रे आपलं हे एकला एक एकला चालू रे. तेरे बिना जिंदगी से कोई कल मैं मुल्तान में गया था एक, वहाँ निश्तर की एलुमिनाई का एक फंक्शन था जिसमें उन्होंने मुझे गेस्ट बनाया था, क्योंकि वो जो बैच था N38 वो सारे मेरे स्टूडेंट थे. तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो डॉक्टरी की बात हो. कहते हम डॉक्टरी की बातें कर करके, लोग इंग्लैंड से आए हुए थे, अमेरिका से आए हुए थे. तो मैंने उनको ये बताया और मैंने वीडियो अपलोड भी की है कि वेल बीइंग है ना, कि इंसान खुश है, उसका क्या क्राइटेरिया है जिससे पता लगे कि इंसान खुश है. उसमें से एक क्राइटेरिया ये था कि इंसान की सेहत अच्छी होनी चाहिए. अगर इंसान की सेहत अच्छी ना हो तो वो वेलबींग क्या है? फर्ज करो उसको बहुत सारे पैसे हैं, उसकी बहुत बड़ी गाड़ी है, उसका बहुत बड़ा घर है, लेकिन अगर उसकी सेहत ठीक नहीं है. अच्छा, उन्होंने पूछा जी सेहत ठीक करने के बारे में बताएं. मैंने कहा जी उसमें से जो अहम है ना वो चार बातें हैं. पहली बात यह कि आप खाना प्रॉपर खाएं, और दूसरी बात यह कि रोज़ाना एक्सरसाइज करें, और तीसरी बात जो थी कि प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, और जो चौथी बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करने चला हूं वो है लेजर टाइम. लेजर टाइम क्या होता है? जो आप दुकान पे बैठते हैं वो लेजर टाइम नहीं है. जो आप शॉपिंग करने जाते हैं वो लेजर टाइम नहीं है. जो आप फर्ज करें मैं सर्जन हूं, मैं ऑपरेशन को बड़ा एंजॉय करता हूं, मगर ये भी लेजर टाइम नहीं. वर्क टाइम इज नॉट अ लेजर टाइम. लेजर टाइम वो होता है जिसमें आपका कोई एजेंडा ना हो. आपने जैसे हम यहां आए हैं ना, हमारा कोई एजेंडा नहीं है. हमने बैठ के किसी खास मौजू पर डिस्कस नहीं करना, हमें पता भी नहीं हमने किस मौजू पर. तो अपने दोस्तों के पास जाना, अपने प्यारों के पास जाना, और जाके उनके साथ बैठकर बगैर किसी मौजू के बात करना, ये वो बात थी जो पुराने ज़माने में बैठकों में हुआ करती थी. अगर आप किसी गांव में जाएं तो गांव के अंदर एक जगह होती थी चौपाल जिसे कहते थे, वहाँ चारपाइयाँ पड़ी होती थी, लोग आके वैसे ही बैठ जाते थे, हुक्का पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, और कोई पर्पज़ नहीं है, बस बैठे बैठे मारे. ये है लेजर टाइम. अनफॉर्चुनेटली पैसे की दौड़ में और वसाइल को ज़्यादा हासिल करने की दौड़ के अंदर हमारा प्रॉब्लम हो गया है कि हमारे पास लेजर टाइम नहीं है. और आपने ये चीज़ अगर देखनी हो ना तो वेस्ट में जाके देखें कि वहाँ इतनी कैलकुलेटेड लाइफ है कि एक महीना, मैं अभी जाना इंग्लैंड जाना था तो मेरे एक दोस्त आए तो मैंने कहा मैं आऊँगा. वो कहते बहुत मुझे खुशी होगी लेकिन मेहरबानी करके मुझे दो महीने पहले बताना. अच्छा, हमारे गाँव में ये होता था जैसे पंजाबी में ना भैण ये कह के दरवाज़ा खोल के अंदर चले गए. भैण भी ज़ोर से इसलिए कहते थे कि अगर किसी ने पर्दा वर्दा ना किया हो, सर पे दुपट्टा नहीं है तो वो ले लो. और मुझे याद है मेरे वालिद साहब, वो हम मुल्तान में रहते थे फिर इस्लामाबाद में भी, कि उनके दोस्त आते थे रोज़ शाम को, दोस्त आते थे और वो आके बैठक में बैठ जाते थे. मुझे कभी हम उनके घरों में जाते, मैं चूंकि अकेला माँ बाप का बेटा था तो अब मुझे भी साथ ले जाते थे. वहाँ वो आराम से बैठे थे, गप्पे मारते थे, कहानियाँ सुनाते थे. वो लेजर टाइम जो है हमारी लाइफ में से निकल गया.
और हमें कोई ना कोई इस बात का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। और मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये रोज़ मुमकिन नहीं है क्योंकि आपके पास वर्क, लेकिन कम अज़ कम हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन। और दूसरा, हमारे माशरे में ना हॉलीडेज़ का रिवाज नहीं है। वेस्ट में आप देखिए, जो भी बंदा अपने वेल कहेगा, वेल आई हैव माई चिल्ड्रन आर वर्किंग, आई हैव गॉट माई ओन हाउस एंड आई हैव अ डिसेंट हॉलीडेज़। तो डिसेंट हॉलीडेज होना जो है ना, वो एक क्राइटेरिया है वेलबींग का। लेकिन हम आजकल हमारे इस माशरे में ना हॉलीडेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हम हॉलीडेज, तो हमें हॉलीडेज जरूर करनी चाहिए, और बड़ी हॉलीडेज नहीं कर सकते, छोटी हॉलीडेज करनी चाहिए जिसमें आप 4-5 घंटे के लिए दोस्तों के साथ बैठे हैं और गप्पे मारते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा कहा है, वो है सिला रहमी। सिला रहमी का मतलब होता है अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक, यानी गांव में हमारे अजीज रिश्तेदार रहते हैं, शहर में रिश्तेदार थे, हमें कम अज़ कम 15 दिन बाद, महीने बाद उनके पास जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी खैर खबर लेनी चाहिए। तो मैं बस अपनी बात को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा आपको वाक्य सुनाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 8-10 मिनट से लंबी बात ना हो ताकि लोग उसको सुन सकें, लेकिन ये बड़ा एक शानदार। आप, मैं इस्लामाबाद गया इम्तिहान लेने के लिए, FCPS का इम्तिहान लेने के। वहाँ इस्लामाबाद होटल में मैं ठहरा, तो जब मैं इस्लामाबाद में ठहरा तो मैं चूँकि वहीं पढ़ा बड़ा हूँ और वहीं सारा, तो मुझे ऐसे ख्याल आया तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसका नाम मिराज है, सुन रहा होगा शायद, न्यूरोसर्जन है वो। मैंने कहा यार माजे में आया हूँ इधर, तो किधर है तू? तो कहता तुम कहाँ ठहरे हो? मैं कहा मैं इधर हूँ जो इस्लामाबाद होटल में जिसका नाम हॉलीडे इन है। तो वो कहने लगा कि ले, मैं तो उसके सामने सड़क से गुजर रहा हूँ, कौन सा कमरा है तुम्हारा? मैंने बताया, कहता मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो आ गया। अच्छा, इतने में ना उसने कहा यार इसके साथ ही महबूब लाई रहता है, वो खबरें में काम करता था अखबार, तो वहाँ कोई एडिटर शेडिटर था, तो उसने कहा मैं उसको भी बुला लेता हूँ। वो महबूब लाई भी आ गया। उसके बाद हमारा एक और दोस्त था, तो उसने उसको फ़ोन किया, वो भी आ गया, तनवीर जफर, वो आजकल अमरीका में है, वो भी आ गया। हम चारों जब बैठे ना तो हमने गप्पे मारने शुरू कर दी, और मेरा जाने का टाइम था जहाज़ का। तो अचानक मुझे कहने लगा यार बिल्कुल साथ वाजिद है, ये सारे मेरे स्कूल के क्लास फेलोज थे, एक न्यूरोसर्जन है, एक जर्नलिस्ट है बहुत बड़ा, और जो तीसरा था तनवीर, वो फॉरेन अफेयर्स में काम करता है आजकल न्यूयॉर्क में। तो वाजिद जो हम में से था ना, उसके वालिद साहब थे, दर्जी थे, तो उसने वाजिद ने वही वाली काम शुरू कर लिया। और मेलोडी मार्केट के अंदर उसकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी, और दुकान के साथ ही उसका टेलरिंग का काम भी था। तो उसने कहा यार मैं वाजिद को पता लगेगा कि तुम आए हो जवेद तो बड़ा खुश होगा, तो चलते हैं। तो मैंने कहा चलते हैं। तो मैंने नीचे सामान चेकआउट होने के लिए मैंने कहा साथ ही वॉक करके चलते हैं। हम वॉक करते 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 वहाँ पहुँचे, तो बड़ी सी दुकान थी, तो वहाँ हम अंदर गए, तो उसने कहा कि एक लड़का निकला, तो मैंने कहा कि बेटा, उसने कहा मैं वो बुलाई नहीं, क्योंकि ज़रा मैं तो बहुत सालों से देखा ही था। तो कहने लगा कि वाजिद किधर है वाजिद साहब? तो उसने गौर से देख के कहने लगा आप अंकल कौन है? तो हमने कहा हम वाजिद के क्लास फेलो हैं सारे। कहने लगा अब्बू तो 2 साल हो गए फौत हो गए। एकदम मैं तो शौक में हो गया, और महबूब इलाही रोने लग गया, ऐसे करके रोने लग गया। उसने कहा यार तू तो यहाँ नहीं रहता, मैं तो यहाँ साथ के मोहल्ले में रहता हूँ, और मुझे पता भी नहीं मेरा क्लास फेलो 2 साल हो गए फौत हो गया। तो एकदम ना, फिर मैंने उस बच्चे को गले लगाया, मैंने कहा बेटा तू हमें बिल्कुल नहीं जानता, हम तेरे चाचे हैं, हम और तेरे अब्बा के दोस्त थे, और बड़ा फिर बैठ के हमने फातिहा पढ़ी। और वापसी भी हम सब ने यह फैसला किया कि यार ज़िंदगी का क्या पता है, तो जब तक हम जिंदा हैं हमें अपने दोस्तों से, मिलने वालों से, ताल्लुक वालों से राबता नहीं मुनक़त करना चाहिए, उनको मिलते रहना चाहिए। कई लोगों से हम इसलिए नहीं मिलते कि उनसे हमारे ख्यालात नहीं मिलते, या जी उनसे फलानी लड़ाई हो गई थी, फलानी हमारी शादी में वो नहीं आया था, फलानी, ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि इनको दरगजर करना चाहिए, और अपने प्यारों से, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, और लेजर टाइम। और जिस तरह हम देखें, ये अहमद साहब हैं जनाब, डॉक्टर अहमद साहब, और सारे हमारे पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है, और हम इंजॉय कर रहे हैं इस लेजर टाइम को। थैंक यू।
अहो ऐकलत का? बोल, ऐकलोय. डॉक्टरांनी मला विश्रांतीची सक्त गरज आहे असं सांगितलंय आणि वातावरण बदलण्यासाठी न्यूझीलँड किंवा स्वित्झर्लंडला जायला सांगितलंय. आपण कुठे जाऊया? दुसऱ्या डॉक्टरकडे.